नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक वशिष्ठ, ENT एंड कॉकलेयर इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल, पालम विहार, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कॉकलेयर इम्प्लांट्स के बारे में। कॉकलेयर इम्प्लांट एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी खोई हुई क्षमता को वापस लौटाता है। एडल्ट्स के अंदर जो कि किसी वजह से अपने कान की शक्ति को खो बैठे हैं, या किसी इन्फेक्शन से, दवाई के साइड इफ़ेक्ट से, या चोट लगने से, या उम्र के बढ़ाव से उनकी सुनने की क्षमता कम हो गई है, उनके अंदर यह डिवाइस उनकी शक्ति को वापस लौटाते हैं। हेयरिंग एड्स लगाने के बाद जो एडल्ट्स 50% या उससे ज़्यादा शब्द नहीं समझ पाते हैं, उनके अंदर यह डिवाइस उनकी सुनने की शक्ति को 100% वापस लौटाता है। ये लोग टिपिकली स्ट्रगल करते हैं घर में बातचीत करने में, टीवी की वॉल्यूम को समझने में, शोर शराबे में, पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में, या ऑफिस के अंदर मीटिंग्स में जहाँ पे कि शोर होता है, ग्रुप में बातचीत होती है, इनको समझने में परेशानी होती है। और एक अच्छी हेयरिंग एड के साथ भी अगर ये 50% शब्द मिस कर रहे हैं तो कॉकलेयर इम्प्लांट उनके लिए एक अफेक्टिव सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन गारंटी से 100% हेयरिंग को रिकवर करता है, और हेयरिंग रिकवरी जो है वो इमीडिएटली सर्जरी के बाद नोटिस की जाती है। बच्चे खासकर जो कि जन्म से ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, उनके लिए ये डिवाइस एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है। इस डिवाइस से उनकी सुनने की सेंस वापस आ जाती है, और जैसे नॉर्मल बच्चा एज के साथ सुनता है बोलता है, उसी तरीके से ये बच्चे भी सुन और बोल सकते हैं। ये डिवाइस एक छोटी सी सर्जरी के थ्रू करा जाता है, जो कान के पीछे से इंसिजन लगा के कान के अंदर इम्प्लांट होता है। सर्जरी का ड्यूरेशन 1 से 1.5 घंटा रहता है। सर्जरी अपने आप में सेफ है। सर्जरी के 10 दिन बाद जब हम डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, तभी इमीडिएटली ही सुनने में इम्प्रूवमेंट नोटिस की जाती है। एडल्ट्स ये इम्प्रूवमेंट को बहुत जल्दी परसीव करते हैं, क्योंकि उनको साउंड का कंसेप्ट पता होता है। बच्चे जो पहली बार से ये साउंड सुन रहे होते हैं, उनके अंदर हम जो साउंड की एक्टिवेशन के टाइम जो वॉल्यूम रखते हैं वो थोड़ा सा कम रखते हैं, और ग्रेजुअली विद पैसेज ऑफ टाइम वो साउंड जो है और ज़्यादा दिया जाता है, ताकि बच्चा उसको अडाप्ट कर पाए और धीरे धीरे उसको यूज़ कर पाए। ये बच्चे इमीडिएटली सुनना शुरू कर देते हैं, बट साउंड को समझने के लिए उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है। स्पीच थेरेपी की ड्यूरेशन 1 से 2 साल रहती है, लेकिन 1 से 2 साल के बाद ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह सुनना और बोलना शुरू करते हैं। वो बच्चे जो जन्म से सुन बोल नहीं पाते हैं, उनके अंदर सर्जरी के ड्यूरेशन या सर्जरी कब की गई है वो बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग अगर सर्जरी का 1 साल की उम्र में होता है, तो इन बच्चों में और नॉर्मल बच्चों में 1 साल के बाद, यानी जब वो 2 साल के हो जाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं देखा गया है। जैसे जैसे ये अंतराल बढ़ता है, जितना टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, उसी तरह सर्जरी के बाद लर्निंग की जो टाइम होता है वो भी बढ़ता है। 3 से 5 साल की जो उम्र होती है, इस दौरान बच्चों को सबसे ज़्यादा स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट देखा जाता है। इस दौरान अगर दोनों कान की सुनने की शक्ति 100% रहती है, तो ये बच्चे नॉर्मल स्पीच और डेवलपमेंट के साथ स्कूल में प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे ही बच्चे आगे चल के नॉर्मल यूनिवर्सिटी जाते हैं और नॉर्मल जॉब करते हैं, और एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह लाइफ स्पेंड करते हैं। इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, कॉकलेयर इम्प्लांट एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस है जो अपनी खोई हुई सेंस को 100% वापस लौटाता है, और वो सेंस आने के बाद इंसान अपनी खोई हुई सेंस के साथ वापस नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड करता है।